दोस्तों अगर आप भी रविंद्र जडेजा और महेंद्र सिंह धोनी को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों रविंद्र जडेजा ने डेविड वार्नर को डराया धमकाया दी रन आउट करने की धमकी, फिर डेविड वार्नर ने जडेजा की टांग खींचते हुए किया कुछ ऐसा, देखा महेंद्र सिंह धोनी भी ठहाके लगाकर हंसने लगे। तो आखिरकार हाई प्रेशर मुकाबले में कैसे जडेजा और वार्नर ने लूटी पूरी महफिल, ऐसा क्या हुआ था उन दोनों के बीच जिसने स्टेडियम में मौजूद हजारों फैंस के चेहरे पर मुस्कान ला दी थी, उस दिल को छू लेने वाली घटना का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि डेविड वार्नर और रविंद्र जडेजा में कौन सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों मस्त बिन मुकाबले में दिल्ली के सामने चेन्नई सुपर किंग्स की चुनौती थी। चेन्नई के सिर पर टूर्नामेंट से बाहर होने की तलवार लटक रही थी, एक गलती उनके सभी अरमानों पर पानी फेर सकती थी। ऐसे में दबाव चेन्नई पर सबसे अधिक था तो वहीं दिल्ली के सम्मान दांव पर लगा हुआ था। ऐसे में दोनों टीमों से लेकर पूरे स्टेडियम करोड़ों फैंस के दिलों की धड़कनें बड़ी हुई थी, सभी चिंता में थे। लेकिन तभी रविंद्र जडेजा और डेविड वार्नर ने सच्ची खेल भावना दिखाते हुए कुछ ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसने इस मुकाबले में पूरी महफिल लूट ली और जमकर सुर्खियां बटोरी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि चेन्नई के लिए हुए 224 रनों के लक्ष्य का पीछा करने दिल्ली उतरी थी, लेकिन ये शुरू से ही उन पर भारी पड़ती नजर आई और एक छोर से लगातार विकेट गिरने लगे। हालांकि डेविड वार्नर तो अलग ही मिट्टी के बने थे, वो आउट होने का नाम नहीं ले रहे थे। इसी दौरान जब पांचवें ओवर में गेंदबाजी करने दीपक चहर आए तब तीसरी गेंद पर डेविड वार्नर ने गेंद को टहलाकर सिंगल लेने का पूरा प्रयास किया जिसमें उन्हें बड़ी मुश्किल से कामयाबी हासिल हुई और वो एक जबरदस्त थ्रो पर रन आउट होने से बाल बाल बचे। हालांकि उसके बाद गेंद विकेटों से बहुत दूर थी, ऐसे में उन्होंने इस गेंद पर दो रन चुराने चाहे, लेकिन दोस्तों ये इतना आसान नहीं था। ना ही गेंद पहुंच चुकी थी सीधा सर रविंद्र जडेजा के हाथों में जिसके सामने से रन चुराना नामुमकिन जैसा है, ये बात वार्नर भी जानते थे। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जडेजा को जानबूझकर चिढ़ाते हुए ऐसे इशारे किए जैसे वो दो रन लेने के लिए दौड़ रहे हैं। उनकी यह हरकत देखकर रविंद्र जडेजा से भी नहीं रहा गया और रविंद्र जडेजा ने भी उनकी टांग खींचते हुए गेंद को विकेटों में मारने का इशारा कर दिया। हालांकि फिर ना ही वार्नर रन के लिए दौड़ पाए और ना ही जडेजा ने गेंद को थ्रो किया, लेकिन इन दोनों के बीच की यह जुगलबंदी देखकर तो पूरा स्टेडियम ठहाके लगाकर हंसने लगा। सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, यहां तक कि विकेटों के पीछे खड़े महेंद्र सिंह धोनी भी अपनी हंसी पर काबू नहीं रख पाए। जी हां दोस्तों, अचानक से इतनी टेंशन भरे माहौल में खुशी की एक नई लहर दौड़ गई थी और इन दोनों खिलाड़ियों के बीच इस दोस्ती ने लोगों की जमकर वाहवाही लूटी और अब ये शानदार वाक्य जमकर वायरल हो रहा है जिस पर फैंस अलग अलग तरह के रिएक्शन भी शेयर कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली चेन्नई के आईपीएल चैंपियन बनने की दावेदार है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।